अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। मात्र 4 साल में जादू की दुनिया के बेताश बादशाह बन गए जादूगर एचएस शर्मा। हरियाणा, पंजाब सहित कई राज्यों में जादू के शो के जरिए लोगों का मनोरंजन करने वाले जादूगर शर्मा का कहना है कि जादू सिर्फ हाथ की सफाई है। उन्होंने बताया कि जादू पारिवारिक फन है। जादूगर शर्मा के अनुसार उनके पास विदेशों में दिखाए जाने वाले कई जादू के करतब है, जिसके जरिए वह उनकी टीम लोगों का मनोरंजन करते हैं। जादूगर शर्मा ने गिद्दड़ बाहा में भी अपने शो के दौरान भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक बुराइयों पर कटाक्ष किया। जैसे कि गिटार में हम पहली बार आए हैं, पहले भी 2.5 साल पहले ऐसे, लेकिन आप कुछ नए लेकर आए हैं, नई आइटम के साथ, क्योंकि ये लोगों से हमें सुनने को मिलता है कि वही जादूगर वही आइटम लेके आते हैं, लेकिन हम नई फॉरन के आइटम हैं और काफ़ी इंटरेस्ट, जिसमें हम लड़की बचाओ, कन्या भ्रूण हत्या, लड़की को जिंदा जलाना, दहेज प्रथा, ये अंधविश्वास को ख़त्म करना, क्योंकि आज के टाइम में अंधविश्वास बहुत हो रहा है और दहेज प्रथा और कन्या भ्रूण हत्या तो ये तो महाअभिशाप है। ये चीज़ हम शो के माध्यम से हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये चीज़ें ना करें। और जादू क्या, जादू वास्तव में कुछ नहीं, सिर्फ हाथ की छोटी सी सफाई है। अगर वास्तव में जादू होता तो हम लोग क्या यहाँ जादू लोगों की बार बार आने से बढ़िया तो घर बैठे बैठे नोट वगैरह बना सकते हैं। मैजिक इसे फाइन है, स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन। 13 साल हो गया है, 4 साल से खुद का कर रहा हूँ, लेकिन पहले 9 साल मैं लगभग जादूगर सूर्य जी के साथ मैं काम करता रहा हूँ एज यू जूनियर, लेकिन 4 साल से मैंने अब खुद का सिस्टम किया है और काफ़ी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में कभी स्टेज शो कर चुका है। मेरा मोहित नाम है सर, और शर्मा जी ये मेरे बड़े भाई है, काफ़ी समय से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरे कुछ आइटम में जैसे ब्लड फैक्ट्री पेपर है, अखबार को फाड़ के जोड़ना, बंटू का फोन, काफ़ी कॉमेडी आइटम में मैं पेश करता हूँ, जिसमें आपको पूरा मनोरंजन का मौका मिलेगा शो में। गिद्दड़ बाहा से शक्ति जिंदल की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।